मैंने मेरे लिखे हुए गाने हैं, मैंने कंपोज़ किया है, मैंने गाया भी है। तो लिखती तो मैं हूँ, मुझे अच्छा लगता है लिखना। मैं बंगला में बहुत लिखती हूँ और हिंदी में भी मैंने कई कंपोजिशंस हैं, लेकिन उसमें से कुछ 8 गानों का हम लोगों ने डिसाइड किया कि कौन से, वो भी मैंने ही डिसाइड किया और नाम भी मैंने ही दिया इश्क बावरी। तो इट्स लाइक बहुत खुशी मिली मुझे, मैं ये बोल सकती हूँ कि जो मैं बोलना चाहती हूँ, मेरे जो शब्द हैं वो अगर बाहर आए, वो भी म्यूज़िकली बाहर आए, तो क्या बात है। हाँ जी, सब यही बोलते हैं कि भजन सम्राट को मैंने रोमांटिक सम्राट बना दिया। तो मैं क्या समझती हूँ कि भजन जो गाया जाता है, अगर राधा कृष्ण की जो भजन होते हैं वो तो प्रेम ही है, प्रेम भजन है। तो जो सुर में भजन गाया जाता है वही प्रेम के साथ रोमांटिक गाया जाता है। अनूप जी ने तो बहुत खुश होकर हाँ कहा है, तो लाइफ के इस एज में आके उन्होंने रोमांटिक गाया है, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर लिरिसिस्ट भी मैं बोलूँगी जो मुझे मिली है। मुझे नहीं पता कि मेरे मैं बंगला में तो कई काम कर चुकी हूँ, हिंदी में भी करती हूँ, म्यूज़िक डायरेक्शन का काम करती हूँ और गाती तो हूँ ही। तो ये मेरे लिए एक अचीवमेंट मैं बोल सकती हूँ। और सारेगामा जैसे कंपनी साथ में है, सारेगामा रिलीज कर रही है, तो मुझसे ज़्यादा खुश कौन होगा आज। मुझे कोयल जी ने कहा कि आप इसमें गाएंगे, तो मैंने कहा ज़रूर गाएंगे, आप मेरे हिसाब के गाने बनाइए। तो जिस तरह के गाने बने हैं वो बिल्कुल मेरे मतलब के हैं, क्योंकि मैं गज़लें भी गाता हूँ, मैं फिल्मों में भी गाता हूँ, तो मुझे वो गज़लों का अंदाज़ मिला जो मैं अपने प्रोग्राम में गज़ल्स गाता हूँ। सबको अधिकार है, जिनको भगवान ने जिनको नवाजा है, जिनको कुछ दिया है, उनको उनका पथ प्रशस्त हो, उनको काम मिले, उनको लोग जाने और अपनी पहचान बनाए। क्योंकि ये मैं ये मानता हूँ कि जो लाइफ स्पैन हमारे पास है वो फाइन आर्ट के लिए बहुत कम है, बहुत कम है। और बहुत बड़ा कंपटीशन, बड़ा काम लोग करके गए हैं, उसमें अपने मकाम बनाना, अपनी जगह बनाना, ये ईश्वर की कृपा और बड़ों के आशीर्वाद से ही संभव है और अपना अथक परिश्रम। तो मैं समझता हूँ कि ये इश्क बावरी का जो नाम भी उसने बड़ा खूबसूरत रखा है, सोच के रखा है। तो मैं तो यही जानता हूँ कि संगीत में बावरी हो और संगीत से ही इश्क हो, तो इश्क बावरी सचमुच सार्थक हो जाएगा। और मैं हाज़िर हूँ, और कुछ आपको अगर ज़रूर मुझसे पूछना है तो मैं आपकी खदमत में हूँ।